जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज मोदी विल टॉक विथ कतर प्रिंस। तो उससे बात करनी बहुत जरूरी है और मोदी जी जो बात करेंगे उसके बाद कतर प्रिंस कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये तो पक्का है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है वो इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, वो ये है कि हमारे जो करीबन कितने नेवी ऑफिसर है, आठ नेवी ऑफिसर जो थे उनको फांसी की जो सजाएं सुनाई दी गई है कतर की गवर्नमेंट ने, तो अब उसकी रिहाई के बारे में मोदी जी ने बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर हमाद के बीच मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात यूएई में होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट समिट COP28 में। अब देखें, ये चीज बताता है कि डायरेक्शन क्या है। कतर ने जब से जो है इंडिया के 7 नेवी ऑफिसर्स को जो है फांसी का हुक्म दिया है, उस तरह भी जो है इंडिया ने मेडिसिन की सप्लाई बंद कर दी और कतर भी जो है मेडिसिन की सप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। तो बड़ा आलमे इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। डॉक्टर एस जयशंकर या अजीत डोवल जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमने हमेशा इनको भारत के प्रति और भारत के नागरिक के प्रति बहुत भावुक देखा है। अब चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे भारतीय नागरिक को ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक बिना विदाउट एनी वन स्क्रैचेस वो उनको लेकर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भारत के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। इसकी क्या वजह है, इंडिया की रेलिवेंस है या कि आप समझते हैं कि जो अरब्स हैं वो पाकिस्तान को नापसंद करते हैं कि वो इनके पॉलिटिकल मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस या कोई मुदाखलत ना करें? हाउ डू यू सी दिस? कतर को भी, कतर ने जब से इंडिया के नेवी को जो है वहाँ के आठ नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पर भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जब हमने कश्मीर का यहाँ पर इशू उठाया, इंडिया ने यहाँ पर भी सप्लाई बंद कर दी। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी के वक्त भी जो है मेडिसिन बंद। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, कतर से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कतर के शेख हमाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर सकते हैं, जो हमारे आठ नेवी के पूर्व ऑफिसर्स हैं उनको छुड़ाने की। अच्छा दोस्तों, अभी बात नहीं की जाएगी क्योंकि अभी भारत ने कतर के हायर कोर्ट में अपील याचिका दायर की है कि हमारे जो आठ जवान हैं वो निर्दोष हैं और उनको छोड़ा जाए। अगर दोस्तों ये अपील याचिका जो कतर के हायर अदालत में है अगर वो रिजेक्ट होती है, तो इन द एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेख हमाद से बात करेंगे और अगर एक बार पीएम मोदी जी बात करते हैं तो फिर ये मामला वहीं पे रफा दफा हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बात क्यों नहीं कर रहे। भाई, एक प्रोसीजर भारत सरकार ने पहले कहा है, हम जितने प्रोसीजर हो सकते हैं कानूनी तौर पे उसको फॉलो करेंगे, तो पहले उसको कर लेते हैं। बात नहीं बनती है तो मोदी जी बात करेंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है मीडिया पे, जैसा कि आप लोग जी न्यूज, एबीपी न्यूज और तमाम भारतीय चैनल्स पे देख सकते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कि भारत मुस्लिम देशों से इतना इंगेज हो गया है और मुस्लिम देश भारत से इतने इंगेज हो गए हैं कि भारत की हर बात मानने को तैयार है। कतर भारत के आठ सैनिकों को गिरफ्तार करता है, पूरा गल्फ खड़ा हो जाता है भारत के साथ, कतर अकेला पड़ जाता है और इसीलिए कतर को इन द एंड घुटने टेकने पड़ेंगे, ये तो पक्का है, आप लोग मान के चलो। मतलब आतंकी दिमाग की हदों को पार किया है कतर ने और यह सिलसिला आज से नहीं स्टार्ट हुआ है। देखिए, कतर को सजा अब सिर्फ भारत नहीं देगा, कतर को सजा इसराइल देगा, कतर को सजा सऊदी अरबिया देगा, कतर को सजा बहरैन देगा, कतर को सजा इजिप्ट देगा। ये सारे लोग कतर को एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही मानते हैं। भाई, इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहते, ये कोई लंडे का माल नहीं है कि भरी हुई है रेड़ी तो सस्ता है तो थोड़ी है तो महंगा है, ये एक स्टेबल किस्म का एक प्रोसेस होता है। या इसराइल से करे, सबको पता है कि इंडिया की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है भाई, चलो उनकी एक उसूली पोजीशन है, हम उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन एक गैर जानबदार रोल प्ले कर रहा है, मुमकिन है कोई मुस्बत तजवीज इसके पास हो। पाकिस्तान से क्या सुनेंगे वो कि इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, वो पाओ पाओ के एटॉमिक बम फेंकेंगे गजा की पट्टी में जाके, क्या कर लेंगे? व्हाई दे शुड जो है वो वेस्ट देयर टाइम टू लिसन टू पाकिस्तान, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हैं, ये किसी भी जगह पे जहाँ कोई उनको सुनने के लिए तैयार हो उसके लिए वो बिल्कुल जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नो बॉडी इज विलिंग टू लिसन टू देम। इवन लम्स जैसी जगह पे भी जाके
तो वो बात करने को अपनी बहुत बड़ी जो है वो कोई हिकमत और कामयाबी समझते हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अरब के पास में इत्तू सा छोटा सा एक जगह है जिसका नाम कतर है, इत्तू सा है, जहां पर हमास के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की इंटीरियर बहुत खूबसूरत ऑफिस है, हिजबुल्ला जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बहुत खूबसूरत ऑफिस है। क्योंकि आप पाकिस्तान से बैठी हैं तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान आईएसआई की भी बहुत खूबसूरत ऑफिस कतर के अंदर है और कतर कई बार पाकिस्तान को फंड किया है, जब लश्करे तैबा हुआ करता था, अजमुल मुजाहिदीन था, अभी भी काम कर रहा है अजमुल मुजाहिदीन, लश्करे तैबा तो खत्म हुआ क्योंकि कश्मीर में 370 आ गया। तो ऐसे ऐसे इंटीरियर खूबसूरत खूबसूरत ऑफिसेस कतर में हैं, जिस चीज को कई बार बहरैन ने, सऊदी अरबिया ने, इजिप्ट ने, इजराइल ने बार बार नोट डाउन करवाया था कतर को कि तुम अपनी इस हरकत को खत्म करो। इवन आपको भी पता होगा और इस देश में कई लोगों को, इस दुनिया के कई लोगों को पता है कि कतर की तरफ से एक अलजजीरा बोल करके एक न्यूज चैनल आता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने की बात की जाती थी। उस अलजजीरा को भी भारत में बैन किया गया, सऊदी अरबिया में बैन किया गया, बहरैन में बैन किया गया, इजिप्ट में बैन किया गया, इजराइल में बैन किया गया। ये पाकि... अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल खबर्स पे बात करें, कतर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, पाकिस्तान की तरह कतर में भी दवाइयां खत्म हो गई, इंडिया ने उधर भी सप्लाई बंद कर दी है। अब जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ज्यादातर डिपेंड इंडिया पे क्यों कर रही है? इंडिया की वर्थ है वो हमारे लोगों की नहीं है, वो एक मोदी है वो जो सालों के साल चल रहा है, हमारे पास एक मराना आया वो तीन साल रहा उसको भगा दिया, शहबाज शरीफ आएगा। अब खतर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये अब माफी के काबिल नहीं है और इसका पर कतरने के लिए अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर जी एकदम खड़े हो चुके हैं, बहुत बुरे, बहुत बुरा हालत करने वाले। ये भी चीज सामने आ रही है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है और कतर ने ये अपनी ना मार्केटिंग करने के लिए ये सब किया है, क्योंकि कतर कहीं ना कहीं दुनिया की नजरों से ओझल हो रहा था, तो उसने कहा कि चलो जी इस तरह से जो है मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। जिस तरह से भारत ने कनाडा को शटअप बोल दी, उसके साथ साथ अमेरिका की बात की जाए तो भारत ने कभी अमेरिका की नहीं सुनी, रशिया के मामले में भी अमेरिका ने भारत को कहा कि तेल ना करो, भारत अपनी ही हमेशा करता रहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मामले के लिए क्या अमेरिका मदद करेगा भारत की? क्योंकि हमने ये देखा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उस फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा कि कतर जो है इन 8 अफसरान को जो है फांसी दे पाएगा। आप इंडिया से हैं तो इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है अमेरिका को लेके, और साथ साथ आपकी जो पॉलिसीज है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारे बायलैटरल रिलेशंस, हमारी फॉरेन पॉलिसीज अभी 9 सालों में नंबर 1 पे चल रही है और ये पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो कोई भी ममालिक हो, वो हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहता है। जब पाकिस्तान को समझाने की बात थी तो शादी अटेंड भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के डिसीजन पर शादी अटेंड कर लिया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा सा समझ जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। तो ऐलानिया भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, कि हाथ में कटोरा देंगे और कटोरा आ गया। कनाडा को समझाने की कोशिश की 9 और 10 सितंबर को भारत में जब G20 की समिट हो रही थी कि खालिस्तानियों का पीछा छोड़ो, वो गलत है, आतंकवाद को वो हवा दे रहा है, और नहीं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं छोड़ने की कोशिश की, तो आज कनाडा पूरा खत्म है। हमास को समझाने की पहले बहुत कोशिश की गई थी, देखिए फिलिस्तीन बैकफुट पर आया और हमास और सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और कतर को 110% घुटने टेकना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अब जो हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जैसे ये मामला आया था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है पहले जो भी हमारा एक कानूनी जो प्रोसेस होती है वर्ल्ड का अफेयर के हिसाब से, जो भी कानूनी प्रोसेस होती है उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे, और फिर हमें इसको मतलब इस फांसी को रुकवाने के लिए, सजा को खारिज खत्म करने के लिए हम जो भी स्टेप लेने पड़ेंगे वो हम लेंगे, और हमारे जितने भी ऑफिसर जो थे उनको हम रिटर्न इंडिया जरूर लाएंगे, ये वादा किया था। और
इसमें जो इंटरनेशनल लॉ लागू होता है तो उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। अभी जो है वहाँ की जो हाई कोर्ट होती है कतर की, उस हाई कोर्ट में इस केस को दाखिल किया गया है। अब वहाँ का क्या सुनावा मतलब क्या रिजल्ट आता है वो तब तक वेट करना पड़ेगा। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मोदी जी को बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन कुछ उल्टा सुल्टा रिपोर्ट आया तो फिर मोदी जी इसमें बातचीत करेंगे और मोदी जी बात कर रहे तो फिर आप सब लोग जानते हैं उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि किसी को कन्विंस करने में मोदी जी माहिर है और झूठ कन्विंस नहीं, जो भी सच्चा है उस सच्चाई पे बात करेंगे। और कतर को ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो भी ट्रेड है वो भी खत्म हो सकते हैं, और इंडिया का ट्रेड खत्म होता है तो कतर के साथ और भी देश जो होते हैं ट्रेड में वो भी एक बार सोचते हैं कि सोचने के बाद यदि मोदी जी निकल जाते हैं तो दूसरे देश वाले भी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कतर की बैंड अच्छे से बच सकती है। तो सारे वो सब कतर के पास क्या है, नेचुरल गैस है और ऑयल है, उसके अलावा और कुछ कतर के पास नहीं है। बाकी सारी चीजों के लिए कतर को दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंट है, तो इसमें कतर अच्छे से घुटने टेक लेगा जैसे कनाडा को टिकाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।